हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बातें कर रहे थे, एल्कीन एल्कीन एल्काइन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, क्या चीज बनेगी, हम लोग इस चीज के बारे में बातें कर रहे थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, आपको जिसकी भी वीडियो चाहिए विद ट्रिक्स ट्रिक्स के साथ और आपको सिंपल वे में सिखाने के लिए, आप जैसे बोलेंगे आपको उस तरह की वीडियो मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बताओ यार कैसी है वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एल्कीन एल्काइन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो हमें क्या फॉर्मेशन में होगा या फिर क्या बनेगा, तो उसी के हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे थे। हम लोगों ने विनाइल ग्रुप पढ़ लिया था, एलाइल ग्रुप पढ़ लिया था, तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और आपके सामने एक एग्जांपल, ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड सी, सी से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, फिर सिंगल बॉन्ड CH, इससे भी मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, और इससे CH2, और ये खाली डंडा या फिर खाली हाथ या फ्री वैलेंसी, हम लोग याद करने के लिए इसको क्या कहते हैं, डंडा या फिर खाली हाथ, ठीक है, एम्प्टी हैंड। और ये इसको हम लोग, जबकि होता क्या है, ये फ्री वैलेंसी, जिससे ये किसी चेन से लगता है, जुड़ता है या कंबाइन होता है किसी भी चेन से, अटैच होता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल जाए तो उसको सबसे पहले गोले में बंद कर लो, ताकि हमें हमसे कोई फर्दर गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए प्रिंसिपल चेन छांटने में, प्रिंसिपल चेन निकालने में। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट चेन कहते थे, तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल चेन भी कहते थे। तो आइए इसमें देखते हैं प्रिंसिपल चेन कौन सी है। सबसे पहले तो आपको सबसे लंबी चेन चाहिए, ठीक है, कार्बन की सबसे लंबी चेन छांटनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। तो ये देखिए, यहां से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोगों के पास ये, तो पहली बात तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी नजदीक मिल जाएगा, ठीक है, और इधर इधर से चलने पे हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिल जाएगा। और सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को ये प्राथमिकता देनी है कि जहां पे फ्री वैलेंसी होती है हम लोग वहीं से काउंट शुरू करते हैं, 1 2 3 काउंट वहीं से शुरू करते हैं। तो फ्री वैलेंसी इसी कार्बन पे है तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। अगर हम लोग इधर से 4 जाते हैं तो हमें ये फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलता है, डबल बॉन्ड नहीं मिलता, इन नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम लोग अगर सीधे चलते हैं 1 2 3 4, अगर हम लोग स्ट्रेट चलते हैं तो हमें ऊपर से ये सब्स्टिट्यूएंट दोनों मिल जाते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, हमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करके चेन छांटनी है, प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो ये हम लोगों को 4 कार्बन्स की चेन मिल गई, ठीक है, और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, इनको हमने गोले में भर लिया, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया। अब 4 कार्बन हो गए, 3 नंबर पे, तीसरे नंबर के कार्बन पे हमको इन मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया, हम लोग डबल बॉन्ड को ही इन कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, अगर नाम किया जाए तो 2 और 3 नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड है, ठीक है, तो 2, 3 और 2 मिथाइल ग्रुप है। पहली बात तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल कह दिया हम लोगों ने, तो 2, 3 डाई मिथाइल। अब 4 कार्बन का एल्क क्या होता है, मैंने आपको एल्क के बारे में सिखा चुका है, अगर वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जाकर देखो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि 4 कार्बन का एल्क क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है, तो 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यह फंक्शनल ग्रुप का भी तो नामक्लेचर करना ही है, हमें नामकरण करना ही है। तो 3 नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, इन, डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इन, तो 3 नंबर पे हमें इन मिल रहा है। और सबसे पहली बात तो ये फ्री वैलेंसी है, ये कोई मतलब अभी ये किसी ग्रुप से, किसी चेन से अटैच नहीं है, ठीक है, तो इसके पास फ्री वैलेंसी है, तो हम लोग इल जोड़ देंगे, इसमें एल किल हो जाता है, तो ऐसे ब्यूट 3 इन हो गया था। अब इसमें इल जोड़ देंगे, वाई एल इल जोड़ देंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इल, इनिल, ठीक है। तो पूरा नाम क्या हो गया आपका, ये देखिए सामने, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 3 इनिल, ठीक है। हम लोग इनिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास अभी फ्री वैलेंसी है, अभी ये किसी से अटैच हो सकता है, ठीक है, और भी लंबी चेन बन सकती है, इसके पास खाली हाथ है, किसी से भी मिल सकता है, ठीक है, अटैच होकर लंबी चेन बना सकता है। तो ये हुआ आपका एग्जांपल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने लिया है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बेंजीन को आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये हुआ बेंजीन, बेंजीन को जैसे कि
बेंजीन C6H6 होता है, इससे अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें हम लोग तो क्या बन जाता है, ये एक फ्री वैलेंसी हो जाती है, सबसे पहले फ्री वैलेंसी हो जाती है, और ये फिनाइल ग्रुप हम लोग इसको बोलते हैं, ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो रट लीजिए, फिनाइल ग्रुप होता है, इससे एक हाइड्रोजन माइनस किया C6H5 हो गया, इसको हम लोग पीएच माइनस से डिनोट करते हैं, पीएच फ्री वैलेंसी इसको हम लोग 5 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसी वीडियो में देख लेते हैं, ये देखिए हम लोगों ने टालुइन लिया, टालुइन का स्ट्रक्चर ये होता है, आपको ये याद रहना चाहिए, टालुइन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे CH3 था, CH2 खाली हाथ हो गया, फ्री वैलेंसी लग गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजिल ग्रुप, ठीक है दोस्तों, बेंजिल ग्रुप। तो ये हो गए आपके एग्जांपल्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक क्वेश्चन के साथ, ताकि हम लोग पूरा सीख लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।